बास्केटबॉल दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से देखे जाने वाले खेलों में से एक है। जितना रोमांचक ये गेम है, उतना ही रोमांचक इसका इतिहास भी है। अगर हम बास्केटबॉल के इन्वेंशन के बारे में बात करें तो बास्केटबॉल का इन्वेंशन जेम्स नाइस्मिथ ने किया था, जो कि अमेरिकन कैनेडियन फिजिकल एजुकेटर थे। जेम्स नाइस्मिथ का जन्म 6 नवंबर 1861 में ऑनमोंटे ओंटारियो में हुआ। जेम्स नाइस्मिथ का बचपन बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा था। बचपन में ही वे अनाथ हो गए थे और इसलिए उन्हें अपने चाचा चाची के साथ एक लंबे अरसे तक रहना पड़ा था। उन्होंने 1883 में ऑलमोंटे हाई स्कूल से ग्रेजुएशन पूरा किया और मैगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। नाइस्मिथ एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे और फुटबॉल, रग्बी, सॉकर, जिमनास्टिक जैसी टीम में मैगन को रिप्रेजेंट भी करते थे। बाद में वे YMCA इंटरनेशनल स्कूल में एक फिजिकल एजुकेटर बनते हैं। फिजिकल एजुकेटर बनने के बाद भी उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती। न्यू इंग्लैंड की कड़ाके की ठंड में, जहां बच्चों के लिए आउटडोर गेम खेलना और प्रैक्टिस करना मुश्किल भरा होता है, ऐसे में एक इंटरेस्टिंग इंडोर गेम विकल्प के तौर पर बनाना भी चुनौती से कम नहीं होता। ऐसे में YMCA इंटरनेशनल स्कूल के फिजिकल एजुकेटर हेड डॉक्टर लूथर गुलेक नाइस्मिथ को ये ऑर्डर देते हैं कि वे 14 दिनों के अंदर एक ऐसा इंटरेस्टिंग इंडोर गेम बनाएं जो कि एथलीट के प्रैक्टिस को ट्रैक पर बनाए रखे। महज 14 दिनों में एक ऐसा रोमांचक गेम बनाना किसी चुनौती से कम नहीं होता, लेकिन नाइस्मिथ भी इस चुनौती को भरपूर निभाते हैं। नाइस्मिथ उस समय के सारे पॉपुलर गेम जैसे कि सॉकर, फुटबॉल, हॉकी, फुटबॉल जैसे गेम को एनालाइज करते हैं और बना डालते हैं एक रोमांचक गेम जिसे आज के डेट में हम बास्केटबॉल के नाम से जानते हैं, जिसे पहली बार दिसंबर 1891 में खेला जाता है।